अलवर जिले में अलवर टेलीलिंक नाम से केबल नेटवर्क चलाया जा रहा है, जिसका जिम्मा मुकेश गुप्ता पर है। मुकेश गुप्ता रेडिएंट के साथ ज्वाइंट वेंचर में डायरेक्टर हैं। गुप्ता बताते हैं कि जिले में करीब 80% क्षेत्र में डिजिटल सेटअप बॉक्स लगा चुके हैं और ट्राई के टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक ग्राहकों को इच्छा अनुसार चैनल चुनने की आजादी है। एटीएल ग्रुप में मुकेश गुप्ता, सजल गुप्ता और उनकी पूरी टीम ग्राहकों को संतुष्ट करने में लगी है। ग्रुप ने उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण से लेकर तकनीकी खामियों को सुधारने के लिए अलग अलग विभाग बनाए हैं और ये सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। आज के दौर में और पहले के दौर में काफी फर्क है, क्योंकि पहले एनालॉग के समय में जब हमने चालू किया था, जब मुश्किल से 5 चैनल चलते थे, उसके बाद धीरे धीरे 106 चैनल तक हम चला सकते थे। जब से डिजिटल का हुआ है, इसके अंदर चैनलों की तो कोई सीमा ही नहीं है, कस्टमर की चॉइस के अनुसार हम सारी चीजें दिखा सकते हैं। मुकेश गुप्ता बताते हैं कि वो करीब 20 सालों से भी ज्यादा समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पहले समस्याएं ज्यादा थी और उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण समय पर नहीं होता था, लेकिन आज डिजिटलाइजेशन के बाद उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा है। ग्रुप केबल नेटवर्क के साथ ही सामाजिक सरोकारों में भी पीछे नहीं रहता। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर साल ग्रुप की ओर से 2 बड़े आयोजन किए जाते हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप और गर्मियों में वन्य जीवों के लिए वन क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से पानी भिजवाना। अलवर में रेडिएंट ग्रुप के जेवी में संचालित अलवर टेलीलिंक कंपनी द्वारा एक लोकल चैनल भी चलाया जा रहा है, जिसके जरिए आमजन के समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।